24 घंटा में 24 घंटा सात दिन सात रात तक कृष्ण का दर्शन हो रहा है, तो किसको फुर्सत है खाने की और किसको फुर्सत है सोने की? इसलिए सब लोग बड़े आनंद में, बाहर तो आंधी तूफान हो रहा है, वो शिवजी संभाल रहे हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, वो हर लीला में शिव सेवा करते हैं, लेकिन अंदर तो किसी को प्रतीत भी नहीं हो रहा कि बाहर क्या हो रहा है। अंदर बाहर जो बिजली कड़क रही है, तूफान चल रहा है, आवाज आती है ना, तो भीतर क्या कर रहे हैं बलदेव प्रभु जी ने, दाऊ भैया ने जानबूझकर जोर जोर से नित्य और कीर्तन संकीर्तन आरंभ कर दिया। क्यों? सब लोग नाचे कूदे मौज मस्ती करें, आनंद का विषय है, कन्हैया का दर्शन प्राप्त है। तो इसलिए जितने जोर जोर से अंदर मृदंग ढोलक ये सब बज रहा है, बाहर की जो बिजली कड़क रही है, ऐसा लग रहा है क्या मृदंग ही बज रहा है? किसी को भय नहीं होने दे रहे बलदेव प्रभु दाऊ भैया, ऐसा होता है। हमारे महाराज जी गुरु जी जब इन्होंने अप्रकट लीला की और मायापुर धाम में जब इनको सभी भक्तों के बीच में जब समाधि दी गई, बड़ा एक आश्चर्यजनक स्थिति थी। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी कि सिर पे धूप, पैरों में जमीन जल रही है। महाराज जी को लाकर जब समाधि दी जा रही है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है, वस्त्र धारण करा रहे हैं, तिलक करा रहे हैं, जब सारा कुछ हो गया और एक अंतिम जो एक पुष्प अर्पण करना था, जैसे ही उनके चरणों में और मस्तक पर एक पुष्प अर्पण किया, बाहर तो आंधी तूफान धड़ इतनी तेज बारिश होने लग गई, मेघ गर्जना कर रहे हैं, बिजली धड़ चमक रही है जैसे आज गिरेगी। ठीक उसी समय जब ये समापन पूर्ण हो गया, सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे बाहर, संकीर्तन बोलते, जैसे महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर संकीर्तन करते हैं, ऐसे बड़ा उच्च स्वर से संकीर्तन हो रहा था, सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और बाहर तो इतनी तेज बादल गरज रहे थे, तो सब यही कह रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए मृदंग बजा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसलिए यहां पर भी बलदेव प्रभु ऐसा संकीर्तन किए भीतर में, नित्य वाद्य बजे, किसी को प्रतीत नहीं होने दिया बाहर क्या हो रहा है। और इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं। तो क्या हुआ, इंद्र के दूतों ने जाकर इंद्र से सूचना दे दी, महाराज इंद्र ब्रज में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है सारा ब्रज समाप्त हो गया। इंद्र तो प्रसन्न हो गया। दो मिनट के बाद एक और दूत आया, महाराज इंद्र कुछ भी ध्वंस नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं, एक पत्ता भी गिरा नहीं है। बोले अभी तो इसने कुछ कहा, बोले इसने कुछ कहा, इसने तो भीतर देखा ही नहीं क्या हो रहा है, तो बाहर देखकर आ गया, क्योंकि बाहर तो कोई है ही नहीं, तो फिर कहां है? बोले एक पर्वत के नीचे सब सुरक्षित हैं। पर्वत के नीचे? किसने उठाया पर्वत? बोले एक छोटा सा बालक है, 7 वर्ष का, बड़ा सुंदर रूप है, उसने एक कनिष्ठ उंगली पर ही गोवर्धन को एक पर्वत को उठा रखा है। बोले 7 दिन 7 रात तक उठा रखा है? हां महाराज इंद्र कुछ भी बिगड़ा नहीं है, एक पत्ता भी गिरा नहीं है। इतना पानी कहाँ गया जो वर्षा हो रही है? बोलते वो हम नहीं जानते कहाँ गया, लेकिन वहां तो सब अंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और एक सुंदर राजकुमार बालक ने गोवर्धन उठाए हुए। तब इंद्र को शंका हुई, हे भगवान ये कहीं मेरे प्रभु तो नहीं है, और मैंने किनसे वैर मोल लिया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, हो ना हो ये तो मेरे प्रभु ही हैं। इंद्र चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बहुत बड़ी भूल हो गई, आप बड़े हैं गुरुजन हैं, क्षमा मेरे साथ चलिए, क्षमा मांगना चाहता हूं, मैंने प्रभु के साथ इतना बड़ा वैर मोल लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ एक सलाह जरूर दे सकता हूं, प्रभु को गैया बड़ी अच्छी लगती हैं,
इसलिए अपने साथ सुरभि गाय को ले जाओ, उनको देखकर प्रभु का हृदय पिघल जाएगा और तुम्हारे अपराध को क्षमा हो जाएगा। इंद्र सुरभि गैया को साथ ले गए और सुरभि गाय थोड़ी दूर ही खड़ी होकर कहने लगी, इंद्र मैं पास नहीं जाऊंगी, तुमको ही जाकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। सुरभि गैया दूर खड़ी रही और इंद्र जाकर अब प्रभु के चरणों में जो गिरे क्षमा याचना करने लगे, प्रभु हम तो देवता है ना, कभी कभी अभिमान आ जाता है कि हम ही वर्षा करने वाले हैं, ये अभिमान आ जाता है कि हम ही सारी स्थिति को कंट्रोल करने वाले हैं, हम मूर्ख हैं प्रभु, वास्तव में तो आप ही सब कुछ हैं, आपके एक इशारे से ही सृष्टि हो जाए, आपके एक इशारे से तो प्रलय हो जाए और स्थिति हो जाए, मैं आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूं, मेरे को क्षमा कीजिए। बहुत कुछ स्तव स्तुति इंद्र क्षमा मांगे और अपने हाथी को आदेश किया और वो अपने सूंड में जल लाकर श्री कृष्ण का स्वर्ग से दिव्य जल लाकर श्री कृष्ण का अभिषेक किया। जब श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ तो एक बड़ा सुंदर कुंड बन गया और कृष्ण इंद्र कहने लगे, प्रभु आपके तो अनंत नाम हैं, एक नाम आज मैं भी आपको अभिषेक करके संबोधन करना चाहता हूं, आज से आपका एक नाम होगा गोविंद। गोविंद का मतलब गोविंदिति इति गोविंदा, गो मां का मतलब गैया, गो का मतलब गोप, गो का मतलब गोपियां, गो का मतलब वेद और गो का मतलब इंद्रियां। वे श्री कृष्ण जो इंद्रियों को, वेदों को, गोपों को, गैयों को और गोपियों को जो आनंद और सुख पहुंचाते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया गोविंद। इसलिए भगवान के हर एक नाम का एक अर्थ है। आज इंद्र के द्वारा श्री कृष्ण का एक और नामकरण हुआ, गोविंद नाम से श्री कृष्ण जाने गए और वही स्थान गोवर्धन की परिक्रमा में गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये गोवर्धन धारण लीला में बहुत सारे मर्म, बहुत सारे अर्थ और इंद्र के अभिमान का जो भंजन है, जो भंग करना, इससे हमको ये भी शिक्षा मिलती है, श्री कृष्ण इतने दीनहीन हैं कि इनके सामने कोई रह नहीं सकता, तब भी कभी अपने दास और सेवक का अभिमान जब ये देखते हैं तो इनको अच्छे से पता है उस अभिमान को कैसे चूर चूर करना है। एक बार ब्रह्मा जी को भी अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सृष्टि करता हूं, अरे यदि हम ना हो तो सृष्टि कैसे हो, और प्रभु ने एक बार भी ताली नहीं बजवाई। कभी कभी शिष्य के अंदर भी ये बात आ जाती है ना, मैंने गुरु जी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, एक बार भी सबके सामने बुलाकर ताली नहीं बजवाई गुरु जी ने, और मैं नहीं होता तो ये सेवा कौन संभालता। हमारे अंदर भी अभिमान आ जाता है, इतने बड़े ब्रह्मा जी जो सृष्टि करने वाले, चारों वेदों को जो जानने वाले, बोलते प्रभु ने कभी आज तक वाहवाही नहीं कराई, हमारी ताली भी नहीं बजवाई, अब देखता हूँ सृष्टि कैसे होती है। छुट्टी ले ली, बोलते मैं करता ही नहीं सृष्टि, बोलो। और ये बात कहने के लिए द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए, ये कोई कहानी नहीं, बिल्कुल सत्य बात, शास्त्र की बात है। बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी जी बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारका में आए, द्वारपालों से कहा कि जाकर श्री कृष्ण से कह दो मैं ब्रह्मा उनके दर्शन करने आया हूं। अंदर बैठे प्रभु तो सबके हृदय की बात को जानते हैं, कोई कहे या ना कहे, कोई मुंह खोले या ना खोले, उनको तो हृदय की बात सबकी पता है। तो जान गए ब्रह्मा जी किस कारण से यहां पर आए। द्वारपालों ने आकर कहा प्रभु वो एक ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे जाकर उनसे पूछना कौन सा ब्रह्मा है। तो द्वारपाल प्रणाम करके गए और जैसे ही गए श्री कृष्ण ने एक जोर से टेर लगाई, टेर का मतलब होता है पुकारा, जितने भी ब्रह्मा हैं, जितने ब्रह्मांडों में सबके सब चले आओ। ये शब्द ऐसा गूंजा चारों ओर, जितने जितने ब्रह्मा थे सारे के सारे अपने वाहन हंस पर बैठकर चले आए।
ब्रह्मा चले आए, मतलब ये कोई एक ही ब्रह्मांड थोड़ा है, ऐसे करोड़ों खरबों अनगिनत असंख्य अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होता है। जितना बड़ा ब्रह्मांड, ब्रह्मा के मुंह भी उतने बड़े। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं। जब भगवान ने जब ऐसी पुकार दी, आदेश दिया, सारे के सारे ब्रह्मा चले आए, और द्वारका में श्री कृष्ण की जो हॉल है, जो सभा है, उसको सुधर्म सभा बोलते हैं। जितने लोग आ जाए उतनी सभा अपने आप बढ़ जाए। यदि 10,000 लोग आ जाए तो सभा अपने आप बढ़ जाती है, उतने ही आसन अपने आप तैयार हो जाते हैं। विश्वकर्मा जी प्रभु की सेवा करते हैं, और यदि चार ही लोग बैठे तो वो सभा अपने आप संकुचित हो जाती है, उतने ही बस उतना ही छोटा सा कमरा बन जाता है 4x4 का। और जितने लोग आ जाए, लाख लोग आ जाए तो उतना ही बढ़ जाए। अब सब आकर ठाकुर जी के चरणों में, कीरड कोटि यदपाद पीठा, श्री कृष्ण के चरणों में अपने मुकुट से जो प्रणाम करते हैं, उनकी चौकी पर सब जा जाकर बैठ गए। इतने में द्वारपालों ने बाहर जाकर ब्रह्मा जी से बोल दिया, ब्रह्मा जी अंदर प्रभु पूछ रहे हैं, आप कौन से वाले ब्रह्मा हो ये तो बताओ। ये तो पहले से ही बड़े उसमें आ रहे थे कि जाकर प्रभु को कुछ कहूंगा कि हमारी कभी वाहवाही नहीं करते हो। और एक बात और बोल दी द्वारपालों ने कि कौन से ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी बिगड़ गए, अरे ब्रह्मा भी कोई 10-15 होते हैं, मैं ब्रह्मा, मैं बोल दो उनको मैं आया हूं। तो अंदर से आवाज आ गई, ब्रह्मा को भीतर ले आओ। तो द्वारपालों ने कहा, चाहिए आपको भीतर बुलाया गया है। ब्रह्मा जी बड़े ठाट बाट से भीतर चल रहे हैं, और देखा सामने सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान द्वारकाधीश। और जब नीचे सभा में दृष्टि डाली तो मैं क्या देख रहा हूं, चारों ओर ब्रह्मा ही ब्रह्मा बैठे हैं। किसी के 10 मुंह, किसी के 100 मुंह, किसी के 1,000 मुंह, किसी के 10,000 मुंह, किसी के 1,00,000 मुंह, इतने मुख वाले ब्रह्मा ऐसे बैठे हुए हैं चारों तरफ। ब्रह्मा जी ने जब अपनी ओर देखा, बोलते भैया मेरी चार हैं बस, बाकी सब तो बड़े बड़े मुख वाले बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी समझ गए, ओहो मैं कितने अभिमान से आया यहाँ पर ये बोलने के लिए कि मैं ही एक ब्रह्मा और सृष्टि करता हूँ, और मेरे चार मुख हैं, यहाँ तो 1,000,000,000,000 मुंह वाले ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा जी आगे गए, जाकर प्रभु के चरण की चौकी पर जो अपना मस्तक झुकाया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। कृष्ण हंसकर कहने लगे, तो ब्रह्मा कोई बात थी, किसी काम से आए थे। ब्रह्मा जी अब क्या बोले, बोलते नहीं प्रभु, बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ था, मन में बड़ी इच्छा थी आपका एक बार दर्शन हो जाए, बस मन तृप्त हो गया। नहीं नहीं ब्रह्मा कोई बात है तो बोल दो। नहीं नहीं प्रभु बस मैं चलता हूँ, बहुत सेवा पड़ी है। सभा भंग हो गई, सबने कृष्ण का दर्शन किया। जब ये ब्रह्मा जी चलने लगे तो क्या हुआ, जैसे बाहर गए तो देखा बाहर हंस, जो ब्रह्मा जी के वाहन है, करोड़ों करोड़ों हंस ऐसे ब्रह्मा भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई कहां भाग रहे हो सब, कहां भाग रहे हो सब? कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब दौड़ रहे एक दिशा में। तो ब्रह्मा जी ने एक को रोक लिया, भाई तुम तो बता दो सब लोग कहां भाग रहे हो। बोलते भैया मत पूछो मत पूछो। अरे हुआ क्या? बोलते क्या बोले, एक बार हमारे मन में ये अभिमान आ गया था कि यदि मैं ना हूं तो प्रभु की सृष्टि कौन करे, इसलिए मैंने वो अपना सिंहासन आसन छोड़ दिया था कि देखता हूँ थोड़े दिन नहीं बैठता हूँ तो देखता हूँ कौन सृष्टि करेगा। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था, मैंने जैसे आसन छोड़ा यहाँ तो हजारों हजारों ब्रह्मा उस आसन पर बैठने के लिए तैयार हो गए कि चलो हमारे हमको सेवा मिल जाएगी। तो अभी अभी पता लगा किसी और एक ब्रह्मा के मन में भी ये बात आई है कि यदि मैं ना हूं तो सृष्टि कौन करे, वो आसन खाली है, बस हम सब जा रहे हैं कि हमारी सेवा लग जाए प्रभु के चरणों में। इन्होंने जो सुना ब्रह्मा जी तो जो दौड़े, भैया नहीं नहीं कोई आसन खाली नहीं है, मैं जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर चूर किया। हमारे अंदर भी अभिमान आ जाता है, मैं नहीं होता तो ये सेवा कैसे होती, मैं नहीं होता तो वो सेवा कैसे हो जाती। हमारे श्रील महाराज जी एक बात बोलते थे,
भगवान को ठाकुर जी को पता है किससे क्या सेवा निकलवानी है, और यदि वो सेवा का आसन खाली हो जाता है तो जिनसे सेवा लेनी होती है वो अपने आप सेवा निकलवा लेते हैं। और जो ये समझते हैं कि ये सेवा मैं ही कर सकता हूं, उसके अभिमान को चूर करना भी इनको अच्छे से आता है, इनको अच्छे से आता है। इसलिए ऐसे इंद्र और ब्रह्मा, बड़े बड़े जो दिक्पाल लोकपाल, सब कृष्ण के आगे जीत नहीं सकते, क्योंकि ये तो कौन है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, सारे कारणों के ये कारण स्वरूप हैं। इसलिए कभी मन में ये सब कुछ सहन कर सकते हैं, एक बात सहन नहीं करते, कोई अभिमान से सेवा करे ये इनको पसंद नहीं। कैसे पसंद नहीं? मान लो घर में हम भोजन करने बैठे और जो भोजन करा रहा है कुड़ते हुए भोजन करा रहा है, आ गया खाने भरने को, कितना खाएगा? जो रोते हुए कुड़ते हुए भोजन कराए और वो भोजन में स्वाद आएगा? नहीं आएगा। और कोई प्रेम से केले का छिलका भी खिलाए तो प्रभु तो उसको भी ग्रहण कर ले। तो इसी प्रकार जब प्रेम से कोई सेवा की जाए, भले ही वो थोड़ी सी हो, उस सेवा को तो प्रभु आस्वादन करेंगे। और अभिमान के द्वारा जो बड़ी बड़ी सेवा भी की जाए वो प्रभु को आस्वादनीय नहीं है। ये बहुत बड़ी सीख और शिक्षा इन सब लीलाओं से हमको प्राप्त होती है। ऐसे श्री कृष्ण गिरिधारी को, गोवर्धन गिरिधारी को हमारा शत शत नमन, जिन्होंने अपनी लीला को विस्तार करके बहुत सारे ब्रज के रहस्य को हमारे सामने उद्घाटित किया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए, पढ़ा दो।